हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताने आ रहा हूँ। यह नुस्खा आपके बालों को काफ़ी लंबा, चमकदार और घना बनाएगा। दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देने के लिए बाल घने और मोटे होना बहुत ही जरूरी होता है। आइए हम आपको इसी विषय में उपाय बताएंगे। इसके जरिए आप 100% बिना किसी नुकसान के आप बालों को घना कर सकेंगे। एक बार अंग्रेजी दवा आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ये उपाय आपको कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। ये एक दवा के रूप में ही काम करेंगे। ज्यादातर लोग बालों के लिए बयारू चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बालों को कई साइड इफेक्ट भी करते हैं। हम बड़े अंधे हैं क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद जैसा ग्रंथ है जिसमें हर रोग का इलाज पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इन अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस देसी नुस्खे के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी चावल की। दोस्तों, ये आप मेरे पास देख रहे हैं, ये आपको कच्चा वाला चावल लेना है। दोस्तों, आपको यहाँ पर सिर्फ 50 ग्राम कच्चा चावल लेना होगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको 50 ग्राम चावल को ले लेना है। फिर आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों 1 गिलास पानी। आपको इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है और दोस्तों आपको इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही रखा हुआ छोड़ देना है। 1 घंटे के अंदर जितना भी चावल का तत्व है, जितने भी इसमें गुण पाए जाते हैं, सारे पानी में घुल जाएंगे और आपको इसके फायदे जो है मिलेंगे। दोस्तों, चावल का पानी इस नुस्खे में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि चावल का पानी अपने एंटी फंगल गुणों के कारण ये रूसी से निजात दिलाता है और जड़ों को आराम देता है। लंबे समय तक बालों को मॉइस्चराइज रखता है, जड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जड़ों का पीएच स्तर संतुलित करता है। चावल का पानी बालों को सिल्की बनाता है और उनमें चमक लाता है। चावल का पानी बालों को मुलायम बनाता है। तो दोस्तों, 1 घंटे तक के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसे पूरा 1 घंटा हो चुका है और आपका पानी सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा है क्योंकि चावल के जितने भी गुण हैं, तत्व हैं, वो सारे पानी में घुल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, एक खाली कटोरी में इसे जो छलनी की मदद से छान कर चावल के पानी को आपको अलग निकाल लेना है। इस तरीके से दोस्तों, यह चावल का पानी आपका अलग कर लिया। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना सा पानी इसमें लेना होगा। अब आपको इसमें 2 चीज़ें और मिलानी है। वो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है एलोवेरा जेल। दोस्तों, मैं यहाँ पर पतंजलि मार्केट का एलोवेरा जेल ले रहा हूँ। आप जो किसी भी कंपनी का या अपने घर पर नेचुरल एलोवेरा जेल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करना है। एलोवेरा जेल के फायदे तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यह हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। यह हमारे बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाता है। एलोवेरा के कई ऐसे फायदे हैं जो हमारे बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें लेनी है दोस्तों, वो है आपका फेवरेट वाला शैम्पू। जो भी आप शैम्पू डेली इस्तेमाल करती हैं, वही शैम्पू आपको यहाँ पर लेना है और इस शैम्पू को आपको काट के इसमें ऐड कर देना दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों, सारी चीज़ें लेने के बाद में आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से दोस्तों, ये आपका अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसे लगाने का तरीका है वो ये है, आप नहाने से 15 मिनट पहले इस पानी से अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मालिश करें और अपने बालों के जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक इस पानी को लगा लें। कम से कम 15 मिनट तक इस पानी को अपने बालों में लगा हुआ छोड़ दें। 15 मिनट बाद आप सादा पानी से अपने बालों को धोकर साफ कर लें। दोस्तों, इस उपाय को आप हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करें। 1 दिन के इस्तेमाल से आपके बालों की चमक काफ़ी बढ़ने लगेगी, साथ ही आपके बाल काफ़ी लंबे, घने और चमकदार बनेंगे। तो दोस्तों, आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।